हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सायलोजिज्म। चैप्टर नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सायलोजिज्म, SYLLOGIZM, सायलोजिज्म इसको पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है न्याय निगमन, न्याय निगमन। ये बेसिकली ये पहले बैंक में बैंकिंग का क्वेश्चन है, अब SSC में भी पूछता है न्याय। अब देखिए न्याय, इसमें जजमेंट करना, न्याय करना हम लोग को। इसमें दो चीज़ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, पहला कथन दिया हुआ रहेगा, दूसरा निष्कर्ष। दो ही चीज़ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कथन और निष्कर्ष। तो कथन को हम लोग क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन ये समझिएगा, इसको क्वेश्चन है और निष्कर्ष जो हो गया मेरा आंसर है। कथन जो है क्वेश्चन हो गया और निष्कर्ष जो हो गया आंसर। कथन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष दो से ही स्टार्ट होगा। दो होगा, नहीं तो तीन होगा, नहीं तो चार, नहीं तो पाँच, ठीक है, ये होगा। और नोट में लिखिएगा कथन, कथन को हमेशा सत्य माना जाता है। यानी कथन जो होता है, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो हमेशा सत्य होता है। कथन जो दिया रहता है क्वेश्चन, वो हमेशा सत्य माना जाता है। और अगला नोट में देखिएगा निष्कर्ष वही सत्य होगा जो 100% निष्कर्ष वही सत्य होगा जो 100% सही होगा। और हम लोग को निष्कर्ष आंसर बताना है, निष्कर्ष तो निष्कर्ष हम लोग को वही बताना है जो सटीक हो, जो तुम बिल्कुल 100% सही हो। जैसे अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आएगा समझ में। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन देखते हैं, कथन, सभी लड़का बंदर है। सभी लड़का जो क्या है, बंदर है। अब इसको तो हम दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि 50-50 विधि, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट हम लोग डायग्राम विधि से पढ़ेंगे और डायग्राम विधि से पढ़ेंगे तो गलती होने का चांस कम है, इसीलिए हम लोग डायग्राम विधि से पढ़ेंगे। जैसे देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, डायग्राम मतलब होता है चित्र, तो डायग्राम बनाएंगे। कथन मेरा क्या है, क्वेश्चन, सभी लड़का बंदर है। सभी लड़का की बात कर रहा, तो लड़का हम बना लेते हैं, और ये सभी लड़का यानी कि टोटल जो लड़का है वो क्या है, बंदर है। यानी कि टोटल लड़का पे बंदर हम लोग ऊपर बना देंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष मेरा दिया, जैसे दो को निष्कर्ष मेरा दिया हुआ है, दो को देगा, जैसे कुछ लड़का बंदर है, सेकंड है कुछ बंदर लड़का है, देखिए दो निष्कर्ष दिए हुए। अब बारी बारी से समझेंगे, कुछ लड़का बंदर है, देखिए कुछ लड़का, ये तो सभी लड़का बंदर है, तो सभी लड़का बंदर है तो कुछ भी लड़का बंदर होगा, तो ये मेरा सही हो गया 100%। अब देखिएगा कुछ बंदर लड़का है, यानी कि कुछ बंदर यानी कि ये पूरा बंदर है, मैं देखिएगा ये पूरा बंदर है ना, और कुछ बंदर, अगर कुल टोटल बंदर मतलब ये बंदर हो गया टोटल, उसमें से कुछ लड़का है, तो कुछ बंदर लड़का ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा डाउट हो, कुछ लड़का बंदर कैसे है, देखिएगा पहला डाउट हम क्लियर करते हैं, कुछ लड़का बंदर है। जैसे देखिएगा हम किसी स्टूडेंट को बोले कि जाओ ऑफिस में जो है एक कटोरी आम होगा, कुछ आम उससे उसमें लेकर आओ, खाने के लिए बोलेंगे हम कुछ आम लेकर आओ, तो वो जाएगा ऑफिस में, गया तो कटोरी में तरह तरह का आम था, लाल भी था, पीला भी था, कच्चा भी था, पका हुआ भी था, तो लड़का कंफ्यूज हो गया, सोचा कि सर कौन सा खाएंगे, क्या लेकर जाएं,
तो उसका दिमाग काम करके सारा लेके चले जाते हैं सभी। तो सारा लेकर आया, तो सारा लेकर आया, सोचा कि जो पसंद आएगा सर को वो खा लेंगे उठा के। तो आया लेकर और बोला कि सर खाइए जो पसंद है। तो हम उस क्वेश्चन क्या बोले थे, लड़का जाओ कटोरी में बहुत सारा आम होगा, कुछ आम लेकर आओ। तो कुछ आम लेकर आओ, तो वो सभी आम लेकर आया। अगर सभी लेकर आया तो कुछ, देखिए सभी लेकर आया तो अब कुछ भी तो लेकर आया, या समझिएगा कि अगर सभी आया तो कुछ तो जरूर आएगा, यानी कि कटोरी में सारा लाया तो जो हम खाना चाहते थे वो भी आम आया होगा, तो सभी आम आया यानी कुछ आया होगा। इसीलिए देखो सभी लड़का बंदर है तो कुछ लड़का भी बंदर हो जाएगा। जैसे देखिए हम बोलेंगे कि आज क्लास में सभी लड़का उपस्थित है, मतलब सभी लड़का आया है, तो कुछ सभी लड़का आया है तो कुछ भी तो लड़का आया होगा, कुछ लड़का तो जरूर आया होगा। जैसे हम बोलेंगे कि जैसे हम कोई लड़का 10 रोटी खाया तो वो बोलेगा 2 रोटी खाया, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि झूठ बोल रहा है, 10 रोटी खाया। तो 10 रोटी खाया तो 2 रोटी उसमें था ना शामिल, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है कि अगर सभी आया तो कुछ जरूर आएगा। यानी कि यहाँ देखिएगा पहला ऑप्शन, सभी आया तो कुछ जरूर आएगा, यानी कि सभी लड़का बंदर है तो कुछ लड़का जरूर बंदर होगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर सभी लड़का अगर बंदर है तो कुछ लड़का भी बंदर होगा, पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिएगा, कुछ बंदर लड़का है, देखिए ये टोटल क्या है मेरा, बंदर है और बंदर में लड़का है, देखिएगा कुछ पूरा टोटल क्या है, मैं बंदर है और क्या दिया, कुछ बंदर जो है लड़का है, तो कुछ बंदर यानी कि बंदर के अंदर है ना ये टोटल है, तो ये भी बंदर हो जाएगा। तो बंदर के अंदर लड़का नहीं है, कुछ सभी नहीं है बट कुछ तो है, आया ना समझ में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 तथा 2 सही है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया होगा अच्छे से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा कथन, सभी लड़का नेता है, सभी लड़का नेता है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन, कुछ नेता चोर है, कुछ नेता, कुछ नेता जो है चोर है। अब इसका डायग्राम हमको बनाना है, क्या बनाना है डायग्राम, सभी लड़का नेता है और निष्कर्ष पहले लिख लेते हैं, निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष पहला है कुछ लड़का नेता है, कुछ लड़का नेता है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ चोर नेता है। नेता है। और तीसरा निष्कर्ष, कुछ चोर लड़का है। कुछ चोर लड़का है। अब इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे, डायग्राम देखिएगा कैसे बनता है। क्वेश्चन मेरा ये है, दो कथन दिया हुआ है और 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, और कथन को हम लोग पहले ही जान चुके थे कि कथन को हमेशा सत्य माना जाता है। देखिए कथन को हमेशा सत्य माना जाता है और निष्कर्ष वही सत्य होगा जो 100% सही होगा। जैसे हम देखिए दोनों 100% सही था, तो दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 सही है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिएगा इसका पहले डायग्राम हम लोग बनाएंगे। कथन पहला क्या है, सभी लड़का नेता, यानी सभी लड़का यानी कि लड़का पहले बना देते हैं और ये लड़का हो गया, और जो सभी लड़का है मेरा क्या है, नेता है। सभी लड़का जो है क्या है, नेता है। फिर दूसरा क्या है, कुछ नेता चोर है। नेता मेरा कहाँ, ये यहाँ और यहाँ, दोनों जगह हो सकता है। जैसे देखिएगा कुछ
कुछ नेता, नेता चोर है, नेता ये भी है यहां से भी हो सकता है, चोर ये ऐसा, इसका मेन डायग्राम ऐसे होगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे होगा। जैसे देखिएगा, जैसे एक रोटी है, एक रोटी में इतना घी लगा हुआ है, थोड़ा सा घी लगा हुआ है रोटी में। हम कोई बोलेंगे कि कुछ रोटी लाओ, ठीक है, कुछ रोटी लाओ, देखो कुछ रोटी लाओ, ठीक है, एक ही रोटी है तो कुछ रोटी लाओ, तो वो तोड़ के लाया, तो वो यहाँ से थोड़ा, सपोज माने यहाँ से थोड़ा, ठीक है, सपोज माने यहाँ से थोड़ा, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। जैसे देखिएगा, एक रोटी है, ये रोटी मेरा हो गया, और इसमें थोड़ा सा घी लगा हुआ है, माने ये घी लगा हुआ है, ठीक है, घी लगा हुआ है। हम बोलेंगे कुछ रोटी लाओ, एक ही रोटी है तो वो कुछ रोटी देगा, तोड़ के देगा, तो तोड़ के देगा तो ये यहाँ से भी तोड़ सकता है, यहाँ से भी तोड़ सकता है। जैसे हम कुछ मांगेंगे तो ये यहाँ से भी तोड़ सकता है, यहाँ से भी तोड़ सकता है, समझ में आ रहा होगा। अगर रोटी मांगेंगे तो घी वाला भी दे सकता है और बिना घी वाला भी दे सकता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे डायग्राम जो बनाए हैं, डायग्राम जो बनाए हैं, कुछ नेता चोर है, तो नेता ये मेरा, देखिए ये मेरा रोटी हो गया, नेता जो है मेरा रोटी है, और लड़का जो है क्या है, घी लगा हुआ है, लड़का मानो घी है, जो नेता है टोटल नेता है वो रोटी है, और लड़का जो घी है, और क्या बोल रहा, कुछ नेता चोर है, तो चोर, ये चोर यहाँ से भी हो सकता है, और चोर लड़का यानी घी वाला भी हो सकता है, बिना घी वाला भी हो सकता है। देखिएगा बनाने का तरीका, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। हम क्या बताएं, अगर किसी रोट अगर कोई एक रोटी में घी लगा हुआ है, हम बोलेंगे कुछ रोटी लाओ, मतलब आधा ही रोटी लाओ, मतलब बोलेंगे रोटी का टुकड़ा लाओ, ठीक है, एक रोटी में हल्का सा घी लगा हुआ है, तो घी वाला भी दे सकता है और नन घी वाला भी दे सकता है। तो इसका देखो, जैसे ये नेता है तो रोटी हो गया, और लड़का जो है घी है, और क्या बोल रहा, कुछ नेता चोर है, तो कुछ नेता चोर है, तो चोर जो है बिना घी वाला भी हो सकता है और घी वाला भी हो सकता है, तो लड़का घी वाला भी है और ये बिना घी वाला भी है, तो ये कंडीशनल हो गया। अब निष्कर्ष देखेंगे, इसका निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़का नेता है, कुछ लड़का लड़का है ना, कुछ लड़का, तो सभी लड़का नेता है, तो कुछ लड़का नेता तो जरूर होगा, पहला आम वाला याद रखिएगा, कुछ अगर सभी लड़का नेता है तो कुछ लड़का तो जरूर, जैसे सभी लड़का आया है तो कुछ लड़का, जैसे सभी लड़का आया है और सभी लड़का क्लास में आया तो राम और श्याम तो जरूर प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब है, सभी लड़का आया तो कुछ लड़का, सभी लड़का नेता है तो कुछ लड़का तो नेता जरूर होगा। हाँ देखिएगा दूसरा, कुछ चोर जो है नेता है, कुछ चोर, चोर कहाँ पे है, यहाँ पे, कुछ चोर नेता है, बिल्कुल है, देखिए कुछ चोर नेता में टच है कि नहीं, चोर जो है नेता में यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ चोर जो है नेता है, कुछ चोर, देखिए चोर नेता में सटा हुआ है और ये भी सटा हुआ है, तो दो ये भी 100% सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, कुछ चोर जो है लड़का है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ चोर, ये चोर है, ये चोर है, लड़का है, ये तो ठीक है, ये तो हो रहा है, बट कुछ चोर यहाँ हो रहा है, लड़का में टच है नहीं, तो ये 100% सही नहीं होगा। और निष्कर्ष में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, निष्कर्ष वही सत्य होगा जो 100% सही हो, 100% सही हो, जो 99% भी सही होगा ना वो गलत हो जाएगा निष्कर्ष। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ चोर लड़का है, तो चोर को देखेंगे लड़का में टच है, एक तो टच है लेकिन एक टच नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक तथा दो सही है, ये मेरा इसका ये हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो में आगे क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।